बोलो श्री सतगुरु महाराज के श्री प्राणनाथ प्यारे के महमत साहिबी हक की मैं खसम अंग का नूर अंग रूहे मेरा नूर है सब मिल एक जहूर सब मिल एक जहूर तीनों स्वरूपों की पहचान बाल अरस की तरफ का पहले किया वर्णन अरस का रूह अल्लाह का कहल अब चितवन सो कहत हो जो देता साहिदी अकल जो देताे दी अकल पहले किया वर्णन अरस का अक्षरातीत धाम धनी श्रीराज्य के असीम अनुकंपा के द्वारा तारतम सागर दिव्यवाणी अंतर्गत परिक्रमा ग्रंथ के ऊपर हम चिंतन करते आ रहे हैं परिक्रमा ग्रंथ में अब तक उनतीसवें प्रकरण तक के चौपाई भाव को श्रवण किया चिंतन किया अभी के इस सत्र में हम प्रारंभ करने जा रहे हैं तीसवीं प्रकरण अब यह प्रकरण से महामती प्राणस जी ये भाव को प्रस्तुत करने जा रहे हैं जाहिर करने जा रहे हैं जो प्रसंग ये परिक्रमा ग्रंथ प्रारंभ होकर जब तीसरा प्रकरण तीसरा प्रकरण मतलब परिक्रमा ग्रंथ का पहला प्रकरण इश्क का प्रकरण है अब कहो रे इश्क की बात इश्क शब्दातीत साक्षात जो कदी आवे मिने शब्द तो चौदे तवक करे रद्द यहाँ से प्रारंभ हुआ फिर दूसरा प्रकरण मंगलाचरण उसके पश्चात तीसरे प्रकरण में धाम वर्णन का प्रसंग से विषय प्रारंभ हुआ वहाँ पर प्रसंग आया था कि सतगुरु महाराज ने कई समय से ये परमधाम का वर्णन करते आए इंद्रावती आत्मा उसको श्रवण करते गए फिर अंतर हृदय में ये जिज्ञासा ये प्यास ये भाव बना रहा कि मैं प्रत्यक्ष रूप में परमधाम का दर्शन कब करूं किस तरह से करूं फिर चिंतन के द्वारा इंद्रावती आत्मा को परमधाम का साक्षात्कार हुआ दर्शन हुआ जिसके माध्यम से यह परिक्रमा ग्रंथ अथवा इस ग्रंथ के द्वारा परमधाम को जाहिर करने जा रहे हैं तो वहीं पर कहा कि पहले मुझे मेरे धाम धनी स्वरूप सदगुरु महाराज ने अपने शब्दों में जिस तरह से कहा जिस तरह से समझाया उस हिसाब से वर्णन करता हूँ फिर आगे मैंने अपने चेतौनी के माध्यम से अंतर आत्मा के द्वारा जैसा दर्शन किया और मेरी आत्मा को जो साक्षी दी उसको भी मैं आगे बताता हूँ तो इस तरह से एक भूमिका की तरह बात को प्रस्तुत करके विषय को प्रारंभ किया तो वो प्रसंग में भी हम इसको थोड़ा सा चर्चा में जोड़ रहे थे कि सदगुरु की ज्ञान के आधार पर परमधाम का वर्णन ये उनतीसवें प्रकरण तक तो उनतीस प्रकरण तक में कुल चौदह सौ सैंतीस चौपाई पूरा हुआ तो जहाँ तक अब तक हम चिंतन करके आए यहाँ तक में वह भाव वह भाव मतलब सतगुरु की ज्ञान के आधार पर जो परमधाम का वर्णन होने के भाव से अथवा करने के भाव से जो वर्णन हुआ उस भाव से ये परमधाम का वर्णन हुआ अब वह तीसरा प्रकरण में ही जो भाव को प्रस्तुत किया कि आगे मुझे जो साक्षी दिया दर्शन हुआ उसको भी मैं साथ के हृदय को दृढ़ करने के लिए कहता हूँ ये कहा तो वो भाव अब ये प्रकरण तीस से प्रारंभ होने जा रहा है तो यहां कहते हैं पहले विषय शीर्षक में तीनों स्वरूपों की पहचान बाल अरस की तरफ का अब ये तो प्रकरण को सार रूप में समझने के लिए ये शब्द रखा होता है तो इसका अर्थ ये प्रकरण के अंदर परमधाम के निशानियों की वर्णन जो इंद्रावती आत्मा को साक्षात्कार हुआ दर्शन हुआ उनके अंतर आत्मा के द्वारा जो साक्षी मिली वो तो वर्णन करेंगे ही उसके साथ में ये प्रकरण में तीन स्वरूप के पहचान के विषय में अथवा तीन स्वरूप के विषय में भी बताया है तो पहले तो थोड़ी सी इस विषय में हम चिंतन करें तो प्रकरण को प्रारंभ करने से पहले मैं ये विषय को थोड़ा सा खुलासा कर ही दूं तो इंद्रावती आत्मा ये परिक्रमा वाणी के माध्यम से परमधाम जाहिर करने जा रहे हैं परंतु उनके हृदय में चिंतन किसके हैं ये भी समझ में आना चाहिए तो यहां तीन स्वरूप का प्रसंग बीच में आया क्यों ये भी समझ में आना चाहिए और इसके साथ में संबंध जुड़ता है फिर परिक्रमा ग्रंथ के बाद में सागर ग्रंथ तो वहां पर भी ये तीन स्वरूप के विषय की, की बात चर्चा में चौपाई में आया है तो वो तीन स्वरूप कौन कौन है तो वो तीन स्वरूप है बशरी मलकी और हक्की और यहाँ परिक्रमा ग्रंथ की चौपाई तो है ही मैं अभी भूमिका ही बता रहा हूँ आपको चौपाई भी बताऊंगा वो तो आने ही वाला है तो बताना ही है वो तो चर्चा करनी ही है और साथ में मैं सागर ग्रंथ भी संकेत कर रहा हूँ तो पहले यहाँ का चौपाई देखते हैं फिर सागर ग्रंथ में चले जाते हैं फिर उसके बाद प्रकरण के भाव चौपाई प्रारंभ करते हैं तो चौपाई तो एक नंबर से शुरू होना है परंतु ये तीन स्वरूप विषय शीर्षक आ रहा है इसलिए इसको खुलासा करने के लिए मैं कहता हूं आठ नंबर चौपाई को पहले देखिए आठ नंबर में क्या कहा अब बीच से चौपाई उठाया तो फिर आगे पीछे देख करके ही पूरा चौपाई का प्रसंग तो अर्थ खुलासा होगा लेकिन मैं सिर्फ यहाँ तीन स्वरूप इसके लिए ये आठ नंबर चौपाई को बता रहा हूं कहते हैं सोई शुद्ध दई फुरमा सोई इसे दई खबर मेरे मुख सोई आईया ये तीनों एक भय यो कर लो ये है चौपाई तीन सौ रूप का तो इसका अर्थ क्या है पूरा प्रसंग से तो एक नंबर चौपाई से क्रमश होके आके हम चिंतन करेंगे लेकिन सीधा सीधा देखते समय देखिए सोई शुद्ध दई फुरमाने फुरमाने मतलब कुरान ग्रंथ के द्वारा वही बात की शुद्धि दई तो कुरान ग्रंथ लाने वाले कौन है रसूल मोहम्मद साहेब रसूल मोहम्मद साहिब को बसरी स्वरूप कहते हैं तो एक स्वरूप कौन हुए बसरी फुरमान लाने वाले पहला चरण में अब दूसरा चरण में सोई इसे दई खबर वही बात की खबर शुद्धि किसने दिया ईशे ईशे मतलब ईशा सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज स्वरूप जो दूसरे स्वरूप है मलकी स्वरूप है और तीसरे चरण में देखिए मेरे मुख सोई आईया मेरे मुख से भी वही बात आ रहा है मतलब यही बात जाहिर हो रहा है तो मेरे कहने वाले कौन महामती प्राणनाथ जी ये तृतीय स्वरूप है और हक की स्वरूप है तो पहला चरण रसूल मोहम्मद साहिब बशरी स्वरूप एक स्वरूप दूसरा चरण निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ईशा स्वरूप जिसे मलकी स्वरूप कहा है और तृतीय स्वरूप तीसरे चरण में जो आया मेरे शब्द के द्वारा स्वयं महामती प्राण जी जो हक्की स्वरूप है ये तृतीय स्वरूप है और आगे कहते हैं ये तीनों एक सूरत कर बशरी मलकी और हक्की स्वरूप तीनों स्वरूप के कहना अथवा साक्षी अथवा बात एक ही बात हो गई मतलब तीनों की एक ही बात हो गए, तो बात सिद्ध हो गई ना ये बात है कहने का अर्थ महामती प्राणनाथ जी स्वरूप हकी स्वरूप में होकर के ये परमधाम जाहिर हो रहा है परंतु प्राणनाथ जी ये परमधाम जाहिर होने में सारी बातें अपने शीर में ही नहीं ले रहे हैं इस बात की साक्षी बशरी स्वरूप ने दिया है फुरमान के द्वारा और इस बात को और खुलासा करके मलकी स्वरूप रूहल्ला स्वरूप ने मुझे समझाया है और वो बशरी स्वरूप और मलकी स्वरूप दोनों स्वरूप के शब्द के साक्षी के आधार पर मैं इस बात को जाहिर कर रहा हूं यह बात है तो ठीक है आठ नंबर चौपाई हुआ तो मैं अब यहां आगे कह रहा था कि यही भाव आगे जाकर के सागर ग्रंथ में जुड़ने वाला है परिक्रमा ग्रंथ के बाद सागर ग्रंथ तो सागर ग्रंथ में क्या है पहला नंबर चौपाई में ही प्राण जी विषय प्रारंभ करते हुए कहते हैं भोम तले की क्यों कहो विस्तार बड़ो है अत नेक नेक निशान दिए हादियों में करो सोई सिफत ये सागर ग्रंथ का पहला प्रकरण का पहला नंबर चौपाई है तो इसका भाव क्या है भोम तले की क्यों कहो तले की भोम रंग महल की यह प्रथम भोम की जो शोभा है जहां पर मूल मिलावा की बैठक है तो मूल मिलावा के अंदर के आठ सागर वर्णन करना है ना तो उस शोभा को मैं किस तरह से शब्द में वर्णन करो विस्तार बड़ो है अत ये अत्यंत ज्यादा विस्तार वाला है इसका कोई शुमार ही नहीं है फिर भी आगे कहते हैं नेक नेक निशान दिए हादियों उसका विस्तार तो इतना अपरंपार है वो सब तो सुमार में ला करके वर्णन करना न हादियों के द्वारा संभव हुआ न मेरे द्वारा ही संभव होना है फिर भी नेक नेक थोड़ा थोड़ा निशानी संकेत साक्षी दई दिया है हादियों हादी शब्द नहीं प्रयोग किए हादियों मतलब ये द्विवचन शब्द था बहुवचन शब्द है तो हादियों में एक ही सदगुरु के ही अगर यहां पर बात होते तो हादी शब्द आता तो हादियों शब्द के द्वारा वही दो हादियों की विषय की बात चल रही है यहां जिसके लिए आठ नंबर चौपाई के पहला चरण में जो फुरमान और दूसरे चरण में ईशे करके जिसको संकेत किया ना रसूल मोहम्मद साहेब और रूह अल्लाह ईशा स्वरूप सदगुरु महाराज ये दोनों हादियों हैं अब आपको यहाँ पर जिज्ञासा हो सकता है कि चौपाई में तो हादियों शब्द ही आया है तो वही दो स्वरूप कैसे हो सकता है तो एक ही जगह से देखने से नहीं होगा दूसरी जगह में प्राणस जी ने ही चौपाई में स्पष्ट रूप से कहा है मुझे जागृत कराने के लिए मेरे ऊपर दो हादियों ने मेहनत किया है दो हादिए किए मोहे चेतन स्पष्ट रूप से कहा मुझे चेतन यानी कि जागृत कराया है दो हादियों ने कैसे एक हादि ने साक्षी लाया और दूसरे हादी ने उसको खुलासा करके समझाए तो अपने जागने के लिए वो कहते हैं दोनों हादी ने मुझे जागृत कराया है तो और इसको खुलासा करे तो ताला कुंजी और खोलने की अक्कल ये तो परिक्रमा ग्रंथ में ही चर्चा होके आए एक हादी ने ताला लाए मतलब फुरमान रूपी ग्रंथ लाए अपने समय में उसको खुलासा नहीं किया संकेत ही करके रखा और दूसरी हादी सदगुरु महाराज स्वरूप के द्वारा वो कुंजी तारतम ला करके उसके भेद को खोल दिया और फिर वो कुंजी मुझे दे करके कहा कि परमधाम के दरवाजा खोल करके सब ब्रह्म सृष्टियों को लेकर के बुला करके आना तो ये प्रसंग है अब विस्तार करता जाऊँ तो फिर और विस्तार होता जाएगा वाणी में तो ऐसे कई भाव हैं सार रूप में अगर कहें तीन सूरत मतलब आठ नंबर चौपह के आधार पर ही कहा गया बसरी मलकी और हक्की सूरत और सागर ग्रंथ के प्रसंगों को भी जोड़ दिया हूं तो चौपाई प्रारंभ करते हैं पहले किया वर्णन अरस का रूह अल्लाह का कहल अब चीतौन सो कहत हो जो देता साहेदी अकल तो ये प्रकरण उन्तीस तक में यानि कि चौपाई नंबर चौदह तक में जो वर्णन हुआ जैसे कि मैंने कहा पहले तृतीय प्रकरण में जिस भाव जिस भूमिका के द्वारा विषय प्रारंभ किया उस भाव से यहाँ तक वर्णन हुआ अब कहते हैं चौपाई को सीधा देखिए अर्थ से पहले पहले मतलब अब तक यहाँ ये उनतीसवां प्रकरण तक में किया वर्णन अरसका परमधाम का जो वर्णन किया रूह अल्लाह का कहला रूह अल्लाह मतलब निजानंद आचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज जो रूह अल्लाह स्वरूप है श्यामा जी स्वरूप है उनके कहने के हिसाब से मतलब उनके ज्ञान के हिसाब से ज्ञान के आधार पर यानी कि जैसे जैसे सदगुरु महाराज ने परम धाम का वर्णन करके मुझे समझाए अथवा सदगुरु के समय में सुंदरसात के समक्ष जिस तरह से सदगुरु महाराज परमधाम वर्णन करते थे उस हिसाब से उस भाव से ये परमधाम पहले ये वाणी के माध्यम से वर्णन हुआ जाहिर हुआ अब अब आगे जो वर्णन करने जा रहे हैं क्योंकि परिक्रमा ग्रंथ में पूरा चौपाई कितना है चौबीस सौ इक्यासी चौपाई है उसमें से तो अभी चौदह सौ सैंतीस चौपाई हुआ तो लगभग और एक हजार चवालीस पैंतालीस चौपाई कुछ बाकी है ना तो इतनी चौपाई के द्वारा और आगे वर्णन करना है तो इसीलिए कहते हैं अब चितवनसों कहता हूँ अब आगे जो कहने जा रहा हूँ वो चितवनसों चितवनी के द्वारा ध्यान के द्वारा जो मुझे दर्शन हुआ अथवा आत्म साक्षात्कार हुआ जिसको मेरी आत्मा ने साक्षी दी उसको मैं अब कहने जा रहा हूँ जाहिर करने जा रहा हूँ जो देता साहेदी अकल और चितौनी में ध्यान में भी मुझे दर्शन हुआ और उसको चिंतन करके देखने से जिसको मेरी अकल ने भी मतलब बुद्धि ने भी उस चीज को साहेदी, मतलब साक्षी दिया तो उस बात को मैं जाहिर करने जा रहा हूं तो श्रवण मनन निधि ध्यासन कहते हैं ना पहले श्रवण किए हुए बात को मनन करना चाहिए और उसको निधि ध्यासन करना चाहिए तो गुरु के मुख से शास्त्र का वचन अथवा ये वाणी के वचन परमधाम की बातें पहले हम श्रवण करते हैं साथ में फिर उसको मनन करना चाहिए मनन का मतलब क्या है उस ज्ञान के द्वारा हृदय को निश्चय करना कि इसका अर्थ इसका आशय इसका सार तत्व ये ही है करके उसको दृढ़ करना उसको कहते हैं मनन श्रावण मात्र से वो हृदय दृढ़ नहीं होता है श्रावण मात्र से तो कभी कभी अब एक कान से सुना दूसरा कान से निकल भी जा सके अथवा सुनने के लिए तो सुना लेकिन समझ अगर दृढ़ न भी हो तो श्रवण ही सब कुछ नहीं है श्रवण के बाद मनन मनन जिस ज्ञान के द्वारा जिस शब्द के द्वारा उसका अर्थ दृढ़ हो निश्चय हो उसको मनन कहते हैं अब अर्थ निश्चय होने के बाद कहने का अर्थ ये शब्द के द्वारा कहना जो चाहते हैं तात्पर्य अर्थ तत्वतः अर्थ ये ही है करके जब दृढ़ निश्चय होता है ना मनन के द्वारा तब जाकर के निधि ध्यास निधि मतलब उसी का ध्यान करना उसी का चिंतन करना और उसी में तद्रूप होना तो ये साधना का अथवा साधक का एक क्रम होता है तो इंद्रावती आत्मा कहती है पहले तो सदगुरु महाराज ने मुझे जिस तरह से कहा वैसा ही वर्णन किया इसका मतलब सदगुरु के द्वारा उन्होंने श्रवण भी किया है फिर वर्णन करने का हिम्मत रखता हो तो ऐसे ही सुनने से वर्णन थोड़ी ना हो पाएगा सुनी हुई बात को मनन करके इसका अर्थ यही है करके पहले तो दृढ़ होना चाहिए ये मनन भी हुआ फिर निधि उसको निरंतर चिंतन करना ध्यान करना उसी में वृत्ति को एकाग्र करना तो इस तरह से वो एकाग्र वृत्ति से उसको ध्यान करते 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 इंद्रावती आत्मा को परमधाम साक्षात्कार हुआ अब यहां निधि कहने से बाणी के ये शब्द के हिसाब से कहो तो चितवन चितवनी अथवा ध्यान ये शब्द से समझ सकते हैं तो जो उनको साक्षी मिली और फिर उसको अंतर हृदय से अथवा अपनी अक्कल को साक्षी मिली अथवा अक्कल ने भी जिसको साक्षी दिया तो एक विषय को सिद्ध करने के लिए क्या क्या चाहिए श्रवण चाहिए मनन चाहिए उसको चिंतन करना होगा उसमें निधि ध्यान और अंतर आत्मा को साक्षी देनी चाहिए तब जाकर के ही जिस विषय को बता करके सामने वाला के हृदय को प्रकाशित कर सकते हैं तो यही बात बता रहे हैं पहले किया वर्णन का रूह अल्लाह का कहल अब चितवन सो कहत हो जो देत साहेदी अकल। अब आगे कहते हैं जब जानो करो वर्णन तब ऐसा आवत दिल जब रूह साहिदी देत यो इत ऐसा ही चाहिए मिशाल जब जानो वर्णन करो जब मैं परमधाम का वर्णन करता हूँ तो ये समझता हो कि तब ऐसा आवत दिल, तब मेरे दिल में ऐसा भाव आता है ऐसा समझ आता है जब रूहें साहिदी देत यो और जिस विषय में मैं विचार करता हूँ दिल में भाव आता है और उसको रूह यानि कि अंतर आत्मा भी साक्षी देती है और आत्मा कैसे साक्षी देती है क्या कहती है इत ऐसा ही चाहिए मिसल यहाँ पर मिसल मतलब शोभा ऐसे ही शोभा होनी चाहिए मुझे ऐसा लगता है और अंतर आत्मा वही साक्षी देती है तो ये बता रहे हैं एक बात थोड़ी सी ध्यान दीजिए अभी मैं यहाँ चौपाई को ना अब चौपाई भी साथ साथ में शब्दार्थ भावार्थ को भी खुलासा करते जाना है फिर इसका निष्कर्ष क्या है सार तत्व क्या है ये भी खुलासा करना है निकालना है इसीलिए ये एक दो नंबर चौपाई अथवा दो चार चौपाई को ही सीधा सीधा देखने से पूरी तरह से इसका अर्थ प्रकाशित नहीं भी हो सकता है क्योंकि इसके अंदर पूरा एक सार भाव है तो जैसे जैसे चौपाई में शब्द आया है पहले शब्दार्थ भावार्थ के हिसाब से देखते जाइए फिर कुछ चौपाई आगे जाने के बाद इसका सार तत्व अपने आप समझ में आएगा नहीं भी हो तो उसको फिर एक बार हम समराइज़ करेंगे ठीक है तो ऐसा कहा कि जब ये परमधाम का वर्णन करना चाहता हो तो मुझे दिल में ऐसा आता है कि यहाँ पर ऐसी शोभा होनी चाहिए जिसको मेरी आत्मा भी उसी चीज़ को साक्षी देती है ये कह रहे हैं इसके पीछे भाव आगे और खुलासा होगा इतने में तो फिर क्या कहना चाहते हैं ये ऐसा हो सकता है इसीलिए मैं बोला था तीन नंबर को देखिए इन विध हुआ है अब दई रूहा साहिदी तहकीक जो कही बाणी जोश में सो साहे वे दई तौफिक अब यहाँ पर एक प्रसंग जोड़ रहे हैं चलो मैं इसको पहले थोड़ा सा एक प्रसंग भूमिका के रूप में बता ही देता हूँ उसके बाद फिर चौपाई समझने में थोड़ा सहज होगा यहाँ ये प्रकरण की शुरुआती प्रसंग में कुछ चौपाइयों के द्वारा प्राणस जी ये भाव को बताने जा रहे हैं वैसे पहले भी थोड़ा सा संकेत किया गया है कहा ना अभी तक परम धाम का वर्णन हुआ रूह अल्लाह के इलम के हिसाब से अब चितौनी के द्वारा कहता हूं जिसको मेरी आत्मा ने भी साक्षी दिया है और मेरी अक्कल ने भी साक्षी दिया है इस तरह से भूमिका बनाए और आगे यहाँ जाहिर करने की बात कुछ और है वो कुछ चौपाई आगे जाने के बाद ही वो खुलासा करेंगे वो चौपाई आएगा ही उसके लिए स्वयं प्राणनाथ जी अपने ही जीवन में घटी हुई कुछ घटना अथवा कुछ प्रसंग को यहाँ जोड़ दे रहे हैं कि ये परमधाम के वर्णन प्रसंग में जिस बात को मेरी अंतर आत्मा को साक्षी दी है उसको मैं जाहिर करूँ तो ये ही सिद्ध होगा उसके लिए मुझे ये विश्वास है कि वाणी के अंदर ही पहले कहीं ऐसा हुआ है तो वो निशानी बताते हैं वो ये तीन नंबर चौपाई में जो संकेत किया है ना वो तो मैं पहले कहानी बताता हूँ वाणी के ही प्रसंग में महामती प्राणस जी हाफसा में थे रास प्रकाश षट वाणी पूरा हुआ और वाणी का बीज यानी कि दो चौपाई प्रारंभ हुआ उसके बाद ये कलशवाणी जब प्राण जी सूरत में थे ये कलशवाणी सूरत में पूरी हुई और उसी का हिंदी अणुशहर में हिंदी वाणी अवतरण हुई और ये कलशवाणी में देखिए वहाँ पर दो प्रकरण कई प्रकरण है लेकिन यहाँ प्रसंग में दो प्रकरण एक प्रकरण गोकुल लीला का प्रकरण है और एक प्रकरण योग माया का प्रकरण है अब उसमें भी योग माया का प्रकरण कहने से है तो वृंदावन के तो यहाँ गोकुल के ही पास के जो वृंदावन जहाँ पर ग्यारह वर्ष बावन दिन तक लीला हुई वहाँ पर वृंदावन तो है परंतु अब योग माया की जो रास तारतम के द्वारा तो यह स्वरूपने, यह वृंदावन यह जमुना तटसार घर थी तीत ब्रह्मांड थी अलगो ये तारतम्य की धो निर्धार मतलब वो बेहद भूमि में योग माया का ब्रह्मांड में रासलीला हुई है उस हिसाब से देखे तो एरिया अलग है रास के ही अगर प्लेटफॉर्म देखे तो फिर भी वृंदावन के हिसाब से प्रतिभाषी की रास अथवा व्यवहारिक की रास के लिए देखे तो धरती यही है चलो उस हिसाब से थोड़ी देर के लिए योगमाया वाला प्रकरण को भी थोड़ा दूसरे नंबर में ही रखेंगे तो मुख्य प्रकरण है गोकुल लीला का प्रकरण तो ये गोकुल लीला के प्रकरण में क्या हुआ कलशवाणी में ये प्रकरण अवतरण हुआ है तो गोकुल लीला के प्रकरण कलशवाणी में आप लोगों में से जिन्होंने पढ़े हैं तो जानते ही हैं अगर पढ़ना बाकी भी है तो बाद में कभी भी अध्ययन होगा तो ये पूरी तरह से खुलासा होगा जब ये वाणी में गोकुल लीला का प्रकरण अवतरण हुआ तब महामती प्राणनाथ जी गोकुल पहुंचे ही नहीं थे बीता के प्रसंग से तो पता है ना सूरत से प्राणनाथ जी आगे सिद्धपुर से होते हुए पालनपुर होते हुए आगे बढ़ करके फिर गोकुल मथुरा वृंदावन इस तरफ से होते हुए दिल्ली प्रस्थान किए ना है कि नहीं तो गोकुल तो प्राणनाथ जी गए हैं बीत के द्वारा तो पता है तो गोकुल पहुंचने से पहले ही ये कलशवाणी में गोकुल लीला का प्रकरण अवतरण हुआ तो गोकुल लीला के प्रकरण में वहां पूरा वहां की भौगोलिक रूप का वर्णन किया है जैसे नंद का गांव और पिछले तरफ दक्षिण तरफ उत्तर तरफ तीनों तरफ मामा के गांव और सामने में जमुना जी और वो जमुना जी की वृक्ष की जो छाया ये श्री कृष्ण जी के घर मतलब नंद के घर की तरफ आना और श्री कृष्ण जी जब गौ चराने के लिए जाते थे तो वो धेनु चराने की मार्ग वो गली छोटी छोटी जो गलियाँ उधर राधा रानी वृषभानंदनी तो उस तरह की ये शोभा कहने का मतलब वो सारा एक भौगोलिक आकार वर्णन किया है और यहाँ तक कि नंद बाबा के घर में कितने मंदिर है और दूध गर्म करने की चूल्हा कहाँ पर है कितने सदस्य रहते हैं उधर राधा रानी के घर के सदस्य कितने हैं वहाँ पर कितने मंदिर है ये सारा एक एक चीज़ वर्णन किया है और वो मथुरा से व्यापार करने वाले लोग आते हैं तो वो कहाँ रहते हैं ये सारी चीज़ तो ये वाणी अवतरण हुई पहले ही कलशवाणी में जब प्राणनाथ जी गोकुल पहुंचे ही नहीं थे उनकी नजर से वो प्रत्यक्ष देखा ही नहीं था तो जब प्राणनाथ जी गोकुल पहुंचे देखा जो का त्यों वही शोभा है जो पहले ही कलशवाणी में गोकुल लीला के प्रकरण में अवतरण हो चुकी थी चौपाइया तब जाकर के उनको अंतर हृदय से पहले से ही बाणी अवतरण हुई ऐसा संशय है ऐसी बात नहीं है वाणी अवतरण हुई धनिकी आवश्यक तो हो गया जो है वही है फिर भी शब्द के द्वारा जानना और प्रत्यक्ष अपने नजर से देखते समय उनके अंदर इस विषय में कितना दृढ़ निश्चय हुआ यह है एक साक्षी ये है एक प्रमाण जो स्वरूप देखने से पहले ही वाणी जाहिर हुआ है अब दूसरा प्रसंग दूसरा प्रसंग वाणी के प्रसंग है महामती प्राणिया जी अनुप शहर पहुंचे दिल्ली में तत्कालीन मुगल शासक औरंगजेब बादशाह को पैगाम देने की तैयारी चल रही थी अब प्रसंग ऐसा बना ऊपर वाले की ऐसी प्रेरणा हुई वो अनूप शहर की तरफ पधारे अनुप शहर में जैसे कि कहा प्रकाश हिंदी कलश हिंदी वाणी अवतरण हुई ऐसे ही अनुपहर में सनंदवाणी अवतरण हुई है और सनंदवाणी में विषय क्या है कुरान में जो हकीकत मार्फत की जो बातें की है तो उस विषय को शनंदवाणी में जाहिर किया है ऐसे वाणी उतरती गई उतरती गई पूरा सनंदवाणी अब सनंदवाणी के अंदर क्या क्या है वो तो जब एक एक प्रकरण को पढ़ेंगे चिंतन करेंगे तो सारा विषय जानेंगे मैं खाली यहां प्रसंग में जो चौपह में आने वाला है तो उसको जोड़ दे रहा हूं जिस समय में शनंद वाणी अवतरण हुई अनुपहर में प्रायणस जी रहते हुए उस समय में प्रायणस जी ने कुरान की ये सारे आयत हदीसा ये सब खोल करके देखने का ऐसा वातावरण नहीं बना था मतलब सीधा शब्द में कहो तो देखे नहीं थे हम्म लेकिन वाणी अवतरण हो गई वाणी में जितनी भी चौपाइयां है चौपाई को देखने से ही प्राणनाथ जी को अंदर से पूरा साक्षी है क्यों अनुप शहर में तो वाणी अवतरण हुई परंतु उससे पहले ही है ना? मेड़ता तो अनुप शहर से पहले ही है ना? जब चार महीने तक मेड़ता में रहे तो एक दिन ऐसे के लिए निकले थे तो मस्जिद में मुल्ला बांग पुकार रहे थे क्या आया था शब्द ला इला लाला मोहम्मद रसुल्ला तो सदगुरु महाराज का वचन याद आया सदगुरु महाराज कहते थे कि या में कोई कोई वासना जान तो हां ला तो नाही को कहलाह तो है हक यह अक्षर अक्सरातीत की बात बड़ी है बुजुर्ग ला इला इला जो वेद में क्षार अक्षर अक्षरातीत अथवा उत्तम पुरुष करके कहा ये तीन पुरुष को ला इला करके कहा तो यहां से अब तार्तम के साथ में कल्मा, का विषय आकर के जुड़ गया तो अंदर से साक्षी तो दे रहे हैं लेकिन जैसे प्राण जी अनुपर पहुंचे ऐसे धड़ धड़ाधड़ सनंद वाणी अवतरण हो गई सारे कुरान की विषय की बात वहीं पर जाहिर हो गया हुँ। ये पहले की घटना है अब बाद में जब दिल्ली के पूरा जागने के प्रसंग में बीतक्ष ये तो आप जानते ही हैं जैसे जैसे प्रसंग बनता गया कुरान हदीशा ग्रंथ भी खोलते गए देखते गए पढ़ते गए आयत भी ला करके मिलाते गए देखते देखते जाते समय तो सारी की सारी बातें वही बात है जो पहले ही सनंदवाणी में अवतरण हो चुकी थी देखिए तो पहले कुरान हदीसा को पढ़ करके आयतों को पढ़ करके उसके आधार पर सणंदवाणी तैयार हुआ या पहले ही संदाणी अवतरण हो चुकी थी बाद में देखते समय ज्यों का त्यों बातें वहां पर मिलकर के सिद्ध होगा तो पहले वाणी अवतरण हुई थी ना बाद में देखते समय ज्यों का त्यों हुआ था ना बस ये दो घटना जो है ना दो प्रसंग है ना ये इंद्रावती आत्मा था महामती प्राण जी यहां याद कर रहे हैं तो इसके द्वारा कहना वो क्या चाहते हैं वाणी के ये प्रसंग में ये तो मुख्य मुख्य बाणी में ही इंकित प्रसंग है अन्य कई प्रसंग ऐसा आता है तो यहां जैसा हुआ है ये परमधाम के वर्णन में भी ऐसा ही है जिस बात को मैंने विचार किया और मेरी आत्मा ने साक्षी दी और जिस तरह से मैं अपनी वो दृढ़ता के साथ में वर्णन कर रहा हूं चिंतन कर रहा हूं मेरी अक्कल ने जिस चीज को साक्षी दिया बाद में जब प्रत्यक्ष रूप में दर्शन किया तो दर्शन में वही मिला जो पहले से ही मुझे चिंतन के द्वारा आत्मा को महसूस होता था और जिसको मेरी अक्कल स्वीकार करती थी और जिस बात में सदगुरु की बात भी मैं मिलाता गया मिलाता गया सब तरह से देखते समय वही बात पूरी तरह से सिद्ध हुआ जिसको मैं अपने अंतर आत्मा से चिंतन करता था मेरी आत्मा ने साक्षी दी थी मेरी अक्कल ने साक्षी दी थी तो ये जो चिंतन किया हो विषय अक्कल ने साक्षी दिया हुआ विषय ही सिद्ध होगा अथवा सिद्ध है इस बात को साक्षी प्रमाण देने के लिए सिद्ध करने के लिए वो बात जोड़ रहे हैं कलशवाणी में जो प्रकरण अवतरण हुआ था पहले ही बाद में देखा वैसा ही था सनंदवाणी में जो कुरान के विषय जो वाणी पहले ही अवतरण हुआ था बाद में कुरान ग्रंथ को खोल करके देखा तो वैसा ही था परमधाम के वर्णन में भी ऐसा ही होगा अथवा ऐसा ही है इस बात को सिद्ध करना चाहते हैं तो इस भाव से यह वाणी जाहिर हुआ है भूमिका समझ में आया हाँ ठीक है तो यही प्रसंग में अब फिर अपने अकल ने तो साक्षी दिया और आत्मा ने भी साक्षी दी दर्शन करके देखते समय वही बात सिद्ध हुआ तो फिर यहां तो अपनी अकल अपनी ही आत्मा अपनी ही नजर से दर्शन कुछ अधूरा सा नहीं लगा तो उसको पूर्ण करने के लिए कहते हैं मुझे हादियो ने ऐसे ही समझाया था वहां पर आती है बात हादियों की समझ में आई बात नहीं तो फिर मेरी अकल ने ऐसा साक्षी दिया मेरी आत्मा ने ऐसी साक्षी दी मैंने ऐसा दर्शन किया क्या प्रमाण है हादियों का बचन तो वो प्रसंग में पहले आठ नंबर चौपाई जो लिया है ना वहां तक तो पहुंचेंगे तो अभी तो मैं थोड़ा सा एक ट्रैक भूमिका बता रहा हूं तो अब देखिए तीन नंबर चौपाई को इस भाव से देखना होगा पहला नंबर और दूसरा नंबर तो हो गया तो तीसरे नंबर में अब चौपाई तो उच्चारण किया था फिर भी देखिए इन बीदा हुआ है अब बला। पहले भी ऐसा ही हुआ है ऐसे ही प्रकार से हुआ है अभी जो घटना मैंने सुनाया क्या सनंदवाणी पहले ही अवतरण हुआ बाद में कुरान हदीसा को खोल करके देखते समय वही बात सिद्ध हुआ कलशवाणी में गोकुल लीला पहले ही अवतरण हुआ बाद में जाकर के देखा तो वैसे ही था अब इसमें भी थोड़ी सी बात खुलासा करना बाकी रह गया थोड़ा खुलासा कर देता हूं ऐसा कैसे संभव हुआ कलशवाणी में पहले ही प्रकरण अवतरण हुआ तो बाद में जाकर के देखते समय का त्यों वैसा ही था कैसे संभव हुआ इसीलिए संभव हुआ कि वो गोकुल लीला में खेलने वाले स्वयं इंद्रावती आत्मा जब गोकुल में यानी कि ब्रजमंडल में वो आए थे इंद्रावती की ब्रजमंडल का नाम क्या है माणक दे सखी हाँ वो दूसरी कोई कहानी दूसरी किसी की इतिहास को यहां पर जाहिर नहीं कर रहे वो वो स्वयं इंद्रावती आत्मा जो ब्रजमंडल में माणक दे सखी के रूप में होकर के जिन्होंने लीला की है तो अपने द्वारा लीला की हुई जगह अंतर हृदय में एक छाप बन करके नहीं बैठेगा हम लोग भी तो पहले कहीं घूमने फिरने गए कोई झलक देखा हो वो झलक हृदय के अंदर नहीं बैठेगा तो उसको बाद में जब वर्णन करना हो तो फिर दोबारा उसको देखे बिना वर्णन होने में कोई आश्चर्य की बात है नहीं है ना वो स्वयं माणक देश सखी के रूप में उपस्थित होकर के जिस ब्रज भूमि में गोकुल मंडल में लीला की है वही स्वरूप फिर जागने में इंद्रावती आत्मा के रूप में आकर के पहले ही वाणी में निकल गई वो पूर्व दर्शन के अनुभव से ऐसे ही वाणी में जो प्रसंग आया करके कहा ना तो वाणी में कुरान की विषय की बात आई है तो कुरान की विषय की बात जाहिर करने वाले अथवा कुरान में जितने भी जो साक्षी प्रमाण है ये रहस्यमय बातें रखने वाले कौन है रखने वाले कौन है रास लीला खेल के आए बरा रब श्याम वही अक्षरातीत की आवे शक्ति आकर के रब्बानी कलाम लाए के सब को दिया यकीन तो शब्द जिन्होंने रखा वही शक्ति आखिर के समय में पहले क्या कहा था मेरे पीछे कोई ना आओसी एक रुहल्ला आओसी कोई इमाम कहलाओसी तुम लोग मेरे यार हो भाई आएंगे आखिर मैं कायामत की घड़ी में आऊंगा खुदा के स्वरूप काजी बन कर के आऊंगा अथवा मोहम्मद साहब ने ऐसा कहा था इसका मतलब प्राणस जी के अंदर शक्ति कौन सी शक्ति है जिस शक्ति ने कुरान ग्रंथ में यह शब्द रखा वही शक्ति स्वयं प्राणस जी के अंदर विद्यमान है तो फिर उसी चीज को पहले खुद बताया हुआ बात को फिर से उसको अर्थ जाहिर करने के लिए दोबारा देखना पड़ता है इसलिए जरूरत ही नहीं थी निकल गया पहले सनंदवाणी के रूप में शब्द फिर भी सामने वाला के हृदय को दृढ़ कराने के लिए चलो देखो खोल करके देखा तो वही बात समझ में आई बात माणक दे सखी स्वयं ने देखा हुआ इंद्रावती आत्मा के रूप में आकर के जाहिर हुआ रसूल मोहम्मद साहेब जो रास खेल के आए बरारब श्याम वाला शक्ति के रूप में आकर के जिस कुरान ग्रंथ को सांकेतिक रूप में रखा वही शक्ति फिर कयामत के दिन महामती प्रायणस जी स्वरूप के अंदर वो काजी स्वरूप बनकर के आए इमाम स्वरूप बनकर के आए तो उनको तो पहले की बात है सब कल आपने याद किया वो चौपे आज याद आएगी नहीं आप तो भूल भी गए होंगे लेकिन फिर अगर कहूँ हाँ मैं तो भूल गया फिर प्रायणस जी को कहां से याद हुआ ऐसा अर्थ करेंगे फिर फिर भी इतना भूलकर तो नहीं है हम याद तो है हुँ। तो हम खुद कई साल पहले याद किया हुआ चौपा अभी भी याद है अगर चौपाई याद नहीं तो किसी का दिया हुआ गाली तो याद होगा तो कुछ ना कुछ तो याद है तो फिर इमाम का स्वरूप को हजार साल पहले आकर के क्या शब्द रखा था विषय क्या है ये पता नहीं चलेगा तो हो गया जाहिर निकल गई बाणी में चौपाई अब ये कहने के पीछे भाव है ये कहने के पीछे भाव क्या है इंद्रावती आत्मा जो चितौनी के द्वारा परम धाम का दर्शन करके अंतर आत्मा को उनको साक्षी दी और अक्कल को साक्षी दिया जिसके माध्यम से ये वाणी जाहिर कर रहे हैं तो क्या इंद्रावती ने दूसरे किसी के घर का वर्णन किया है हैं ये धाम किसका घर है इंद्रावती का अपने घर नहीं है तो इंद्रावती स्वयं उस घर में रहे हैं थोड़ी सी फरामशी की पर्दा पड़ने के कारण कुछ समय भूलन का सा हुआ था फिर भी इंद्रावती के दर्जा के भूलन कितना है जब धनिनी इलम के द्वारा संबंध को जुड़ा दिए तो इंद्रावती के लिए परम नाम क्या है अब वित्त के प्रसंग में वो परम नाम दर्शन करना चाहते थे परंतु दर्शन नहीं हुआ दर्शन नहीं हुआ नहीं धनी ने इधर जागने की कार्य कराने के लिए उनको थोड़ी सी पर्दा डालकर करके, रोक करके रखा यह मत समझना कि फिर इंद्रावती भी परम नाम के दर्शन करने के योग्य ही नहीं थे इसीलिए उनको दर्शन नहीं हुआ काय का योग्य नहीं थे। यह है तो इधर जागने के कार्य जा, ज्ञान जाहिर करना था ना तो इसीलिए धनी ने स्वयं अपने हुक्म के द्वारा उनका वो परम धाम दर्शन करने वाली वृत्ति को थोड़ा रिमोट दबा करके अभी ठेरो रखे थे इंद्रावती के लिए परम नाम दर्शन तो क्या है समझ में आई बात तो गोकुल लीला में वो खुद पहले खेली है इसलिए वो बात पहले ही जाहिर हो गया कुरान की बात उनके ही द्वारा पहले जाहिर हुआ इसलिए देखिए बिना सनंदवाणी जाहिर हो गई ऐसे ही परम धाम उनका अपना घर है इसलिए चितौनी में दर्शन हुआ अकल को साक्षी दी और जिसके ऊपर फिर सदगुरु महाराज के वचन का साक्षी तो है ही उसके लिए अगर फुरमान का साक्षी लेना हो तो फिर बशरी स्वरूप का फुरमान का साक्षी तो है ही ये सारा एक जगह में मिला करके रूह को दृढ़ कराया इसीलिए तो कहा एक मिलाए खोल दीजिए ये वस्तु पावे तब सब तरफ से संबंध को जोड़ना होगा चलो अब तो चौपाय में आना होगा इन विद हुआ है अब्बल पहले इसका तो अर्थ बता चुका था मैं की प्रसंग वाणी का प्रसंग सायदी का उसी बात को रूहा ने तहकीक निश्चय रूप में साक्षी दिया था अथवा दिया है जो कहीं वाणी जोश में देखिए कौन सी वाणी कही जोश में वाणी पहले जोश में उतर गया वाणी पहले जोश में उतर गया अब ऐसे यहां पर परिक्रमा जो परम धाम का वर्णन जोश में वर्णन भाव में वर्णन हो गया ऐसा अंदर से समझना चाहिए जो बाणी कही जोश में सो साहेवे दई तौफीक तौफीक मतलब सामर्थ्य साहेब ने ऐसा सामर्थ्य दिया कि जोश में बाणी अवतरण होती गई अब यह बाणी अवतरण होती गई कहने से ये भाव को देखना होगा मैं तो वो प्रसंगों को जोड़ने के लिए कलश और शानंद वाणी को बता रहा हूँ लेकिन यहाँ ये आ, जो कहीं बाणी जोश में सो साहेबे दई तौफिका साहेब परमात्मा ने जो सामर्थ्य दिया जिसके द्वारा वाणी अवतरण होती गई कहने से पूरा वाणी अब तक जितने भी वाणी अवतरण हुई ना वो पूरा वाणी रास ग्रंथ से लेकर के यहाँ परिक्रमा ग्रंथ अभी तक वाणी आने तक में वो साहेब के सामर्थ्य के द्वारा ही वाणी अवतरण हुआ है उस बीच में से फिर वो कलश और सनंद के प्रसंगों को यहाँ जोड़ना है आगे कहते हैं हके दई कितावे मेहर कर जो जिस बखत दिल चाहे सोई आयत आवत गई जो रूहा देत गुहाए देखिए परमात्मा की कृपा श्रीराज्य की कृपा के द्वारा वाणी किस तरह से अवतरण होती गई हके दई किताबें मेहर कर किताब कौन सी किताब तारतम बाणी रास ग्रंथ प्रकाश ग्रंथ सटीतु ग्रंथ कलश ग्रंथ जितने भी ग्रंथ ग्रंथ होकर के किताबें उतरते गए हैं हके दई किताबें मेहर कर मेहर करके कैसे कैसे समय में किताब यानी कि ये बाणी देते गए जाहिर कराते गए जो जिस बखत दिल चाहे नी ने जिस समय में जिस वाणी को जिस किताब को यानी कि जिस ग्रंथ को जाहिर करना दिल चाह उसी समय में मुझे माध्यम बना करके वो किताब को वो वाणी को ग्रंथ को जाहिर करते गए सोई आयत आवत गई ऐसे ऐसे आयत यहां पर आयत इज कल टू चौपाई बाणी में आयत क्या है चौपाई सो आयत सो चौपाई आवत गई उतरती गई जो रूहा देता गुहाए जिसको रूहा अंतर आत्मा से गुहाए मतलब साक्षी देते गए धनी की कृपा के द्वारा चौपाई उतरती गई और जैसे जैसे चौपाई उतरती गई वैसे वैसे साक्षी देते गए रूह को अंतर आत्मा को दृढ़ होता गया शब्द जो सारे इन विध कही आगे से आखर बिना फुरमान देख कहे ना हादिए कही हकीकत देखिए क्या कहा शब्द जो सारे इन विद इस तरह से सारे शब्द शब्द मतलब वाणी चौपाय में जितने भी वाणी जो शब्द आया है ना कहीं आगे से आखर शुरू से लेकर के आखर अंतिम तक शुरू मतलब जहां से वाणी अवतरण प्रारंभ हुआ और आखर मतलब अब तक में जितने वाणी अवतरण हुआ अथवा पूरा ही वाणी के प्रसंग को देखे तो हवे पहला से लेकर के मोहम्मद करी उम्मत रोशन में पूरा स्वरूप से देख रहा हूं बता रहा हूं हा? उस भाव से समझना होगा तो शुरू से लेकर के आखर अंतिम तक अब वाणी तो अवतरण होती गई लेकिन कहते हैं ये वाणी अवतरण होने में क्या एक एक शास्त्र को कुरान को खोल खोल करके देख देख करके यहाँ ऐसा लिखा है यहाँ ऐसा लिखा है वहाँ से थोड़ा सा प्रसंग लेके, उसके साथ मिलन कराकर, उसके साथ फिर मिलन कराकर, फिर अपनी बुद्धि लगा लगा करके चौपाई तैयार करके लिखे हैं ऐसा हु? कविता लिखने की तरह ऐसा नहीं है तो इसीलिए कहते हैं वह बिना फुरमाना देखे कहे लो कोई फुरमान देखे ही नहीं कह दिया कोई फुरमान देखे नहीं के आवेश के द्वारा ऐसे ही कहा दिए जैसे जैसे आयत उतारते गए वैसे वैसे उतरता गया कहते गए और यहां सीधे ही शब्द में कहो तो वैसे तो सारी वाणी का ही प्रसंग है बिना फुरमाना देखे कहे कुरान ग्रंथ को देखे बिना ही कहे कौन सी वाणी वाणी पूरा वाणी के भाव भी लेना है साथ में सनंद और सनंद वाणी में जो कुरान का प्रसंग खुलासा हुआ अब फुरमान तो देखे नहीं सदगुरु ने कहा था होगा विस्तार करके समझाए थे होंगे तो कहते हैं ना हादिये कहे हकीकत इस विषय में हादी ने भी ऐसा हकीकत नहीं कहा था तो कुरान के विषय का जो प्रसंग है वो तो हादी ने भी पूरी तरह से हकीकत तो नहीं कहा था ना वित्त के प्रसंग से आप जानते ही है इधर वेद उपनिषद गीता भागवत इस तरफ के साक्षी प्रमाण तो एक एक साक्षी के द्वारा तारतम को समझाते थे लेकिन कुरान के प्रसंग के विषय में सदगुरु के समय में कितना खुलासा हुआ या में कोई कोई वासना जान इतना ही संकेत हुआ और खोजी बाई के अंदर रई बाई की वासना इतना ही संकेत किया मतलब पूरा हकीकत नहीं कहा है संकेत किया है तो हकीकत पूरा जाहिर नहीं हुआ था मतलब ये जो भी सनंद वाणी में प्रसंग अवतरण हुआ है ये ज्ञान सदगुरु के मुखार से भी मैंने नहीं सुना था ना हादिए कही हकीकत ना तो इसके वास्तविकता खुलासा करके हादी ने कहा ही था तो फुरमान भी नहीं देखे हादी ने भी नहीं कहा फिर उतरता जा रहा है आगे से लेकर के अंतिम तक तो अंदर कुछ नहीं लग रहा था, तो आगे कहते हैं कहे शब्द रूह साहेदी पर दिल देता कसक मुसाफ देखे भागी सक सब आयते इसी माफक तो देखिए एक एक चीज को कितना खुलासा करके बता रहे हो कहे शब्द रूह साहेदी अंतरूह के शाहेदी के आधार पर अवतरण हो गई फिर भी जितने भी हो जीरो पॉइंट जीरो वन परसेंट भी क्यों ना हो अब यहां फिर बाणी अवतरण हुआ प्राण जी खुद को इतना विश्वास नहीं था करके वो शंका को बहुत भंडार मत बनाइएगा वो तो जी एकदम साफ हृदय से बता रहे हैं अवतरण तो हुआ पर दिल देता कछु शक थोड़ा सा संशय रहता था यहां जैसे बाणी अवतरण हुई है वास्तव में ऐसा ही है क्या थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिल में ऐसा लगता था क्योंकि हादी ने भी इस विषय में नहीं कहा था फुरमान भी नहीं देखा हूं और धनी की कृपा के द्वारा उतरता तो गया ऐसा ही है क्या थोड़ी सी एक समस्या इंद्रावती के दर्जा के बाद में समय आने पर क्या हुआ फुरमान देखे भागी शक कुरान ग्रंथ को खोल करके देखा शनवाणी में जितनी भी चौपाई अवतरण हुआ था वही बात है जो खुर्मान के द्वारा साक्षी दिया तो शंका दूर हो गया सब आयते इसी माफक सब आयते थे जितने भी चौपाइया थे सब आयते इसी माफक मतलब कुरान में जैसे जैसे बात बताए थे संकेत करके उसी माफक सारा आयते मतलब चौपाई उतरी हुई है तो तब जाकर के उनके अंतर हृदय में दृढ़ हुआ ऐसा है अब ये प्रसंग तो निरंतर आगे जाएगा सार भाव में तो मैं बता ही दिया लेकिन अब प्रसंग बीच में ही रखना पड़ेगा समय का भी तो पाबंदी है तो यहाँ बात रूप में यही है तो ऐसा हुआ है इसी तरह से ये परमधाम जो जाहिर कर रहे हैं ना वो भी जाहिर होता जा रहा है कहीं शमशय सा भी लग रहा हो फिर बाद में देखा तो वैसा ही था जैसा मैंने चिंतन किया था यह बात जाहिर करना है उसके लिए ये प्रसंग जोड़ दिया है ठीक है तो जितना हुआ है उसको दिल दिमाग में एकदम सजाए रखिए यहीं से आगे चौपाई को फिर दूसरे बैठक में बढ़ाएंगे कहे शब्द रूहा दी पर दिला देता कछु सक मुसाफ देखे भागी सक सब आयते इसी थे सब आए थे इसी माफक बलो श्री प्राणनाथ प्यारी की प्रणाम